किसी तरह अम्मा ये चीज़ें भरोसा ना कुर्तन हकीकत दिन तुम आलमी मीडिया दुनिया निशान दाते अम्मा खबर आना सैल कुर्तन अवली सरा तो अम्मा ये चीज़ें ये ना को अम्मा को भाई कोरोना ही या अनचैन या अफवाह या किसा भी। इनिशियल तो लोगों का रिस्पांस जो था वो बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि लोगों को समझाना एक बात, एक उनकी फ़ायदे के लिए वो बहुत मुश्किल है। और जब उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा है, लोगों की खुद उन पे बीती हैं, उन्हें खुद फेस करनी पड़ी हैं ये चीज़ें, तब जाके उन्हें थोड़ा बहुत यकीन आया कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है कोविड। और पूरी दुनिया जो बंद हो चुकी है, हर जगह जो लॉकडाउन लग चुका है, तो कोई ना कोई रीज़न है इसके पीछे। मिनी जिंद आंख का पढ़ा लिखा ना हूँ, लेकिन ये क्या मीडिया खास इनाए मैंने एक रोल इसी तक कि भाई हमारा आगाही दाती। जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेसी रेट का भी इशू है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है। स्टार्टिंग में किसी को भी ये पता नहीं था ये वायरस है क्या, किस तरह से फैलता है, मतलब डिफरेंट किस्म की बातें आ रही थी। तो तब तो बड़ी पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसमें यह था, फिर FAO की स्ट्रेटजी थी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो हमें सपोर्ट मिली थी, हमारे वीकली FAO पाकिस्तान के जूम के थ्रू जो थे वो सेशंस होते थे, जिसमें मीटिंग्स होती थी, जिसमें लोगों को स्टाफ को ये अवेयरनेस दी जाती थी कि कोविड के साइन कौन से हैं, किस तरह से ये फैल सकता है, और किस तरह से हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करके इससे बचा जा सकता है। सेशंस में जो भी इंफॉर्मेशन उनसे गेन करते थे, हम फिर कोशिश करते थे कि जो फील्ड का स्टाफ है हम उनको वो इंफॉर्मेशन जो है वो पास करें, और फिर फील्ड का स्टाफ जो है कम्युनिटी लेवल पर उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा था। बलूचिस्तान में बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल रिसेप्शन बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर हमने रेडियो शोज़ भी कंडक्ट करवाए। रेडियो जो था एक बहुत बड़ा मीन था कि इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का। हम लोगों के पास जब मटेरियल पहुंच गए थे तो उनमें से ज़्यादा तादाद में पोस्टर थे, पोस्टर में सारे एहतियाती तदाबीर लिखा हुआ था। तो वहाँ पे हम लोगों ने रोडों पे और दीवारों पे और दुकानों पे ज़्यादा लगाए थे, क्या ताकि लोग पढ़े कि इनमें से शऊर आ जाए कि ज़्यादा घर में रहना है, मास्क पहनना है और लोगों से दूर रहना है। कोविड के दौरान हमारे साथ जो खेतों में लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी हमने वैक्सीन लगवाना शुरू किया, उनको शऊर आगाही फराम किया हमने कि भाई कोविड तो कन्फर्म है, चूँ अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आप जो है इस कोविड की वबा से बच जाओगे, आप महफूज रहोगे। कोविड पे हम लोग ने एक ट्रेनिंग सेशन रखा था, मैं उसकी एक मिसाल दे देती हूँ। ये मैंने CO में रखा था, तकरीबन जो फीमेल थी 12 थी, उनको सबसे पहले हम लोग ने अगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, हाथ धोने का प्रैक्टिकल करके बताया था उन्हें, और मास्क का तरीका भी जिस तरह हम लोग लेते हैं फुलियाँ तक, ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके और 6 फुट के फिर बताया कि इस तरह आप लोग फासले पे बैठें, इस तरह आप लोग के मतलब ये जो कोविड नहीं हो सकता, हाथ मिलाने से थोड़ा सा ये चीज़ हम लोग ने यूज़ की। इस टाइम पूरे शहर में ताज़ा सब्ज़ी नहीं मिल रहा है, इस टाइम पूरे शहर में अंडे नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी किचन गार्डन की वजह से जो हमने अपने घरों में बनाए है, फिर आस्ते आस्ते मेरे आस पास के हमसाए सब ने इसको रिप्लिकेट किया, ना हमारे सिर्फ फ्रेश सब्ज़ी और सलाद की ज़रूरत पूरा हो रही है, बल्कि आस पास के किल्ली वाले और यहाँ पर जो दुकानदार है वो आके यहाँ से लेते हैं, और हमें कुछ लोग बदले में पैसे देते हैं उनके, और कुछ हमें फ्रेश दूध देते हैं। वो मेरे लिए, मेरे इदारे के लिए, FAO के लिए, मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरी टीम है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राजा